वेलकम टू एस एस सिविल ज्ञान। आज हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन सबसे पहले सीरीज का, फिर अल्फाबेट, फिर डाइस, फिर ब्लड रिलेशन एक्स्ट्रा। आज हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिया हूँ ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म में जो क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन से पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी मेरे साथ ऐसा हुआ था, पूरा फुल वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कैमरा स्कैनर से कोई छोड़ो, ठीक है, करते हैं। एंड का मतलब क्या है, मदर, ठीक है। एंड का मतलब मदर, मैंने ए बी की माँ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एम और टी से रिलेशन बनाना है। एम क्या है, माँ है, टी का क्या है, माँ है। और हैस का मतलब क्या है, फादर, ये क्या है, पिताजी है। पिताजी है तो ट्रायंगल में पिताजी है किसका, एन का, ठीक है, एन का पिताजी है। उसके बाद एंड मतलब ब्रदर, ये भाई है, भाई किसका, आर का भाई है। और हैस का मतलब पिता, ये क्या है, पिता है किसका, क्यू का। एंड का मतलब ब्रदर, ये भाई है किसका, एस का। और ये माँ है किसका, ओ का। क्वेश्चन पूछा था हाउ टी इज रिलेटेड टू क्यू, टी और क्यू में रिलेशन क्या है, ठीक है। हु इज टी, टी कौन है, आर के संबंधित में, ठीक है। तो आर के पिता कौन है, पिता के पिता क्या होता है, पिता मेरे पिता के पिता, दादा, तो दादा मतलब पैटर्नल अंकल, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे फिर से। आज हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिया हूँ ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म में जो क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन से पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी मेरे साथ ऐसा हुआ था, पूरा फुल वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कैमरा स्कैनर से कोई छोड़ो, ठीक है, करते हैं। एंड का मतलब क्या है, मदर, ठीक है। एंड का मतलब मदर, मैंने ए बी की माँ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एम और टी से रिलेशन बनाना है। एम क्या है, माँ है, टी का क्या है, माँ है। और हैस का मतलब क्या है, फादर, ये क्या है, पिताजी है। पिताजी है तो ट्रायंगल में पिताजी है किसका, एन का, ठीक है, एन का पिताजी है। उसके बाद एंड मतलब ब्रदर, ये भाई है, भाई किसका, आर का भाई है। और हैस का मतलब पिता, ये क्या है, पिता है किसका, क्यू का। एंड का मतलब ब्रदर, ये भाई है किसका, एस का। और ये माँ है किसका, ओ का। क्वेश्चन पूछा था हाउ टी इज रिलेटेड टू क्यू, टी और क्यू में रिलेशन क्या है, ठीक है। हु इज टी, टी कौन है, आर
आर के संबंधित में, ठीक है। तो आर के पिता, पिता के पिता कौन है, पिता के पिता क्या होता है, पिता मेरे पिता के पिता दादा, तो दादा मतलब पैटर्नल अंकल, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइस से है, डाइस से क्वेश्चन है, ठीक है। डाइस से क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ने अपोजिट लेटर, इसका कॉन्सेप्ट है कि अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर कैन नॉट बी सीन। अपोजिट लेटर आप देख नहीं सकते हैं क्योंकि इसके अपोजिट क्या है आप डाइस में नहीं देख सकते हैं, उसी तरह इसमें भी है, ठीक है। तो हम लोग दो दो पेयर लेंगे, उसको कॉमन लिख कर उसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ठीक है। कॉमन क्या है, जैसे इसको और इसको पेयर लेते हैं तो कॉमन क्या है, टू, टू के बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद वन, उसी तरह इसमें क्या है, टू, टू, टू के बाद फाइव, फाइव के बाद सिक्स, ठीक है। तो जो अपोजिट ने जो लेटर दिख, जो संख्या दिख नहीं रहा है उसका, वो अपोजिट है। और डाइस में वन से लेकर सिक्स तक रहता है, तो वन टू थ्री फोर, फोर का अपोजिट टू होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सिक्स का अपोजिट क्या होगा, सिक्स का अपोजिट ए, एक हो जाएगा। और यहाँ हम देख सकते एक और मतलब है इसमें कि दो पेयर अगर सेम है, टू फाइव टू फाइव, तो एक ही लेटर बचता है, सिक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, वन, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सीरीज का क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का, कि इसका संबंध अगर तो इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, ठीक है। इसको मतलब या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड या एडिशन कुछ भी करके 28 लाइए या 8 लाइए, तो 8 किसके नज़दीक है आपका स्क्वायर के, जैसे 3 3 9, 3 का स्क्वायर है माइनस वन, मैं 3 3 9 माइनस वन 8, ठीक है। ये किसका है, ये आपका 3 का क्यूब प्लस वन है, 3 का क्यूब क्या है 27 प्लस वन 28, जो मतलब जो रिलेशन यहाँ जो फॉर्मूला यहाँ यूज होगा उसको भी यहाँ यूज करना है, ठीक है आप लोगों को। तो 15 किसके नज़दीक है स्क्वायर के, उसमें से वन माइनस करना भी है, तो आपका 4 का स्क्वायर माइनस वन 16 माइनस वन 15, और जो भी संख्या उसको आपके नेक्स्ट में क्या करना है, उसका क्यूब 4 का क्यूब प्लस वन, ठीक है। तो 4 4 जा 16 16 4 जा 64, 16 4 64 प्लस वन कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लेटर का, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। और लेटर सीरीज में सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। 10 6 13 1 13 10 10, इसमें आपको कुछ मतलब सीरीज या ना कंटिन्यू है, कंटिन्यू बढ़ रहा है कंटिन्यू घट रहा है, ठीक है। पहले तो घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर घट गया फिर बराबर हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन टॉप लेवल है, ठीक है। इसको करेंगे हम लोग जैसे कि जनवरी, जनवरी से लिखा है जनवरी, जनवरी का फर्स्ट लेटर, फरवरी का फर्स्ट लेटर, मार्च का फर्स्ट लेटर, अप्रैल का फर्स्ट लेटर, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का फर्स्ट लेटर ए होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था, एक एसएससी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट कंक्लूजन सबसे पहले वेन डायग्राम इसका बनाइए। ऑल काइट आर प्लांट और ऑल प्लांट आर पेपर, ठीक है।
कंक्लूजन में क्या है, ऑल काइट आर पेपर, ऑल काइट आर पेपर, सारा पेपर, सारा काइट क्या है, पेपर है, ठीक है। फर्स्ट फॉलो हो रहा है, नो पेपर इज प्लांट, पेपर और प्लांट में कुछ रिलेशन है कि नहीं, सब सारे प्लांट पेपर है, लेकिन कि ये बोल रहा है कोई पेपर प्लांट नहीं है, तो निगेटिव कंक्लूजन कंक्लूजन है, तो इसलिए क्या होगा, केवल फर्स्ट फॉलो होगा, ठीक है। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, अगर कोई भी निगेटिव दिखाई दे उसको एलिमिनेट करके और आंसर लग देना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, रो वाइज या कॉलम वाइज, अगर ये रो वाइज जाते हैं तो इसको फिल हो जाएगा, क्या है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो इसको इस क्वेश्चन को रो वाइज करते हैं, आपका इसका स्क्वायर कीजिए तो 749, उसमें 14 ऐड कर दीजिए तो आपका 63 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए 8 अठाई 64, उसमें 7 जोड़िए, 7 4 11 और 8 1 9 91, 8 अठाई 64, या सॉरी यह है 91 होगा, ठीक है 91, इसका 121 और ये 25 उसमें ऐड कर दीजिए, 6 4 1 146, 11 का स्क्वायर, 11 का कोई भी स्क्वायर करने का एक ट्रिक है, 11 × 11, ठीक है, जितना मैक्सिमम नंबर है उसको लिख दीजिए, 1 2, उससे अब कम कर दीजिए, 1 सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फोर्थ मैक्सिमम नंबर है, 1 2 3 4, 4 से क्या हो कम कर दीजिए, 3 2 1, कोई भी संख्या जैसे और ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से कम 6, उससे कम 5 4 3 2 1, ठीक है, आप लोग कमेंट में जाइए 1 2 3 × 1 2 3 का वैल्यू क्या होगा, कमेंट में लिख लिए, ओके। अगला क्वेश्चन मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन में हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि डबल, लगभग डबल का करीब में है सब क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करने के बाद, डबल करने के बाद ये संख्या आ जा रहा है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 × 2 + 1, 11 आ जाएगा, 11 2 × 2 = 22 + 3 = 25, 25 × 2 = 50 + 55, 55 × 2 कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10 की 0 8 1, और 5 × 2 = 11, उसमें प्लस 7 कर दीजिएगा तो आ जाएगा 117, इसमें क्या कीजिए, 2 कीजिए इसको, तो 7 × 2 = 14 + 4 = 1, और 2 × 1 = 3, और 2 उसमें क्या कीजिए प्लस, आपका 1 प्लस क्या प्राइम नंबर हुआ है, 1 3 5 7, तो 9 होगा, तो 9 4 13 13 8 1, 3 1 4 2, ठीक है, इसमें क्या 2 कीजिए इसको, तो 3 2 = 6, 3 2 = 6, और 4 2 = 8, और 2 2 = 4, उसमें प्लस कितना कीजिए, 1 3 5 7 9 11 ऐड कीजिए, तो 6 1 7, और 8 1 9 4 4 4 4 9 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर जैसे एक और खुद सेल्फ, ठीक है, माने प्राइम फैक्टर जिसका हो उस प्राइम नंबर होता है, जैसे एक और उसी का फैक्टर हो, जैसे 3 का फैक्टर कितना होगा, 1 और 3, 5 का फैक्टर 1 और 5, आपका 13 का फैक्टर 1 और 13, 9 का फैक्टर क्या होगा, 1 3 9,
9 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, ये ओड नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर का नियम है कि एक और सेल्फ खुद का फैक्टर है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। मैंने सारा क्वेश्चन अभी आधा घंटा 45 मिनट का वीडियो बनाया था, ठीक है, कैम स्कैनर से। तो क्या हुआ कि कैम स्कैनर मैं बंद किया, एक मिनट के बाद मैंने क्या किया उसको, वो खुद हट गया, खुद हट गया, वो पूरा मेहनत पानी फेर गया, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कल फिर से क्वेश्चन बनाएंगे।